सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 16 डिस्कस करेंगे। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है हिंदी और डेट है इस वर्कशीट की 19 नवम्बर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। बच्चों, अब तक हम कबीरदास जी की 4 साखियाँ पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ से इस पाठ की अंतिम साखी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोए। तो भावार्थ देख लेते हैं बच्चों इसका। कबीरदास जी कहते हैं इन पंक्तियों में कि जिसका मन शांत और शीतल है, उसका संसार में कोई से बैरी या शत्रु नहीं होगा। यदि मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे तो हर कोई एक दूसरे के प्रति समान रूप से दया भाव रखे। इसलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ऊपर दी गई साखी व इसके भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। तो हम लिखेंगे आंसर, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य अहंकार और स्वार्थ के कारण दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, दया भाव से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, दया भाव से अभिप्राय है किसी के प्रति अनुग्रहपूर्ण या करुणापूर्ण दृष्टि। और तीसरा क्वेश्चन है, इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाने चाहिए। क्वेश्चन 4 देखते हैं। गतिविधि है, कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखी कौन सी लगी और क्यों, लिखिए। तो इसका आंसर आप लिख देंगे बच्चों, मैंने तो ये लिखा, आप कुछ और साखी भी लिख सकते हैं। तो जो मैंने आंसर लिखा है वो भी लिख सकते हैं आप। मैं पढ़कर बता देती हूँ, कबीर की साखियों में हमें सबसे अच्छी साखी आज के कार्यपत्रक में दी गई साखी लगी, क्योंकि इससे हमें अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मन शांत और शीतल रहेगा और हमारा संसार में कोई बैरी या शत्रु नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।